द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडियस एंड 8.5 ओम रेजिस्टेंस चेंजेज विद द टाइम एज शोन इन द फिगर. द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. कैलकुलेट द करेंट इंड्यूस्ड इन द लूप एंड प्लॉट अ ग्राफ शोइंग इंड्यूस्ड करेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक कोई सर्कुलर लूप है. कैसी लूप है बच्चों? सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? 12 सेंटीमीटर. अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसी सर्कुलर लूप है भाई, इसकी रेडियस उन्होंने कितना दिया है बच्चों? स्मॉल आर हो गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर. ये इसकी रेडियस दे दिया और कह रहे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई. मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे लगाई गई बच्चों कि देखो ऐसे वेरी कर रही है जैसे ग्राफ में दिया है. मतलब 0 सेकंड पे जब हमने टाइम देखना शुरू किया, जब हमने टाइम का मेजरमेंट शुरू किया, उस समय मैग्नेटिक फील्ड 0. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई, 2 सेकंड तक इंक्रीज हुई, 2 से 4 सेकंड तक मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रही और उसके बाद फिर 6 सेकंड तक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती रही? डिक्रीज होती गई और 6 सेकंड पे 0 हो गई. तो इस तरह की एक मैग्नेटिक फील्ड इस लूप है. हमको बताना है इंड्यूस्ड करेंट कितनी होगी और उसका ग्राफ कैसे बनेगा टाइम के साथ. बच्चों देखिए, आपको पता है कि अगर किसी क्वाइल में जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा. क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये किसके बराबर होता है बच्चों? तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है बी ए. तो यहाँ पर एरिया तो फिक्स है बट बी चेंज हो रहा है. तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा और जब फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडेज फर्स्ट लॉ आ जाएगा. वो क्या बताता था कि अगर किसी क्वाइल में फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है. इसका मतलब जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तब तक फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने से वहां पर एक EMF प्रोड्यूस होगा और EMF की वजह से किसमें करंट फ्लो होगी. यानी कि 0 से 2 सेकंड तक तो करंट फ्लो होगी लेकिन 2 से 4 सेकंड तक देखिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट. इसका मतलब 2 से 4 सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा. जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो EMF 0, EMF 0, इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी. फिर 4 से 6 सेकंड के लिए देखो, यहाँ पे फिर से फील्ड चेंज होगी, फिर से फ्लक्स चेंज होगा, फिर से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और फिर एक करंट प्रोड्यूस होगा. तो ये हमको मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि यहाँ करंट फ्लो होगी, यहाँ नहीं होगी या फिर फ्लो होगी. ठीक है, अब हम देखते हैं करंट कितनी फ्लो होगी. तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको क्वाइल के एरिया की जरूरत पड़ेगी. तो एरिया यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, लिख देंगे एरिया ऑफ लूप इज इक्वल टू. तो एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो एरिया यहां से निकल आएगा पाई 3.14 और आर स्क्वायर. आर कितना दिया? 12 सेंटीमीटर. इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.12 मीटर हो जाएगा. वैल्यू पुट करेंगे 0.12 का स्क्वायर, यानी कि ए इक्वल टू आ गया 3.14 इंटू 0.0144. जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉक्स आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ क्वाइल इज 4.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर. तो बच्चों जैसा हमने आपको बताया कि करंट इस सिचुएशन में अलग होगी, यहाँ पर 0 होगी, यहाँ कुछ और होगी. तो हर टाइम इंटरवल की हमको करंट फाइंड करनी पड़ेगी. तो पहले हम करंट का एक बेसिक फार्मूला पता कर लेते हैं भाई. करंट इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ अपान रेजिस्टेंस. और ईएमएफ की वैल्यू फैराडेज लॉ से क्या होती है? माइनस का डी फाई अपान डी टी 1/r के बराबर हो जाएगा. अगर बच्चों यहां से हम बात करते हैं तो करंट की वैल्यू ये भी हो सकती है -1/r और डी फाई अपान डी टी. डी फाई, फाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? बी ए, यानी कि डी अपान डी टी ऑफ. बच्चों यहां से देखो ए कांस्टेंट है क्योंकि इस क्वाइल का एरिया नहीं चेंज हो रहा, तो ए कांस्टेंट हो गया. तो ए को बाहर ले लो तो बचेगा क्या? डी बी अपान डी टी बचेगा, यानी कि आई बराबर हो जाएगा माइनस का ए अपान आर और डी बी अपान डी टी. डी बी अपान डी टी का मतलब
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इसका स्लोप निकाल दो तब भी काम चल जाएगा, या फाइनल माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड अपान में फाइनल टाइम अपान माइनस इनिशियल टाइम, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मतलब इसको मोटे मोटे तौर पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपान आर, ठीक है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल दिए गए टाइम इंटरवल के लिए, डी टी के लिए, है ना, अपान में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, कुछ इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर लिखेंगे फॉर 0 to 2 सेकेंड, भाई डीबी का मतलब क्या था, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने लिख लिया, फाइनल मिनी से घटा दो चेंज निकल आएगा, और डी टी का मतलब टी एफ माइनस टी, ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेते तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं बच्चों। तो 0 से 2 सेकेंड की बात करते हैं, तो बच्चों 0 से 2 सेकेंड की अगर आप यहाँ बात करते हैं तो आई इक्वल टू क्या आएगा, सोचो माइनस का ए, ए की वैल्यू कितनी है, ये तो फिक्स है 4.5 × 10^-2 अपान आर, आर की वैल्यू 8.5, बी एफ, तो देखो 0 से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई 1, और 0 पे कितनी थी 0, तो फाइनल हो गई 1 मैग्नेटिक फील्ड, इधर है ना मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, फाइनल हो गई 1, और इनिशियल कितनी हो गई 0, तो हो जाएगा फाइनल यानी कि 1 माइनस इनिशियल 0 अपान टाइम इंटरवल, तो 0 से 2 सेकंड बात करें तो 2 - 0, ये इंटरवल निकल आया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि बचेगा माइनस का 4.5 × 10^-2 अपान नीचे आएगा 17, जब इसको आप डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो आता है 2.6 mA, वो भी कैसा है माइनस में। सो द करेंट इन 0 to 2 सेकेंड इज 2.6 mA, वो भी कैसी बच्चों आई है निगेटिव में, इसको I1 लिख देते हैं। तो ये इस इंटरवल की करंट आ गई कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी। अब हम बात करते हैं फॉर 2 to 4 सेकेंड, तो देखिए इस सिचुएशन के लिए I निकालते हैं, तो I बराबर क्या आएगा, A अपान R, ठीक है, dB अपान dt, वही पुराना फार्मूला यूज कर लिया, तो I इक्वल टू माइनस A, A की वैल्यू 4.5 × 10^-2 अपान R 8.5, dB वही dB का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 से 4 सेकंड की अगर बात करो तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और टाइम को ऐसे तो लिख सकते थे जैसे नॉर्मल फार्मूला BF माइनस BI अपान TF माइनस TI, है ना, ये वाला यूज कर लो डायरेक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों BF कितना है 1, और BF भी 1 है और BI भी 1 है, 2 से 4 सेकंड देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई नहीं, इसका मतलब 1 - 1 अपान में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 4 - 2, तो ये तो बच्चों बचा 2, तो यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई है 0, 1 - 1 का मतलब 0। वही मैं पहले ही आपको समझा रहा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती तो फ्लक्स चेंज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे EMF क्या होता है 0, तो करंट भी 0 हो गई। अच्छा, इसका मतलब 2 से 4 सेकंड में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों फॉर टाइम इंटरवल, कौन सा इंटरवल अब हम लेने जा रहे हैं, 4 to 6 सेकेंड, किसकी बात करेंगे 4 से 6 सेकेंड की। तो बच्चों फिर से आई का फार्मूला क्या लगेगा, माइनस का ए अपान आर, बी एफ माइनस बी आई अपान टी एफ माइनस टी आई। अब ये 4 से 6 सेकेंड के लिए देखेंगे, ये वाला फार्मूला हम करेंट का यूज करने जा रहे हैं बच्चों। अच्छा जरा बताओ अब क्या आएगा बच्चों, तो आई बराबर अब आएगा माइनस ए, ए की वैल्यू वही 4.5 × 10^-2 अपान आर रेजिस्टेंस 8.5, बी एफ फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बच्चों 0, इनिशियल 4 सेकंड वाली कितनी है 1 अपान फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 6 - 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखो यह आएगी -4.5 × 10^-2 - 1/2, देखो 6 - 4 हुआ था 2 बचा, ऊपर से -1 बचा तो ये आ गया अपान में 8.5।
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आई की वैल्यू यहाँ पे फिर वैसे ही आ रही है, तो ये आएगी 2.6 मिली एम्पियर। लेकिन कैसी आएगी बच्चों, ये प्लस की आएगी, ये किसकी आएगी, प्लस की। ये तीसरी कंडीशन की करंट आ गई, इसको I3 से लिख दो, दूसरी कंडीशन करंट को I2 से लिख दो। इसका मतलब अगर अब हम लोग देखें कि करंट का टाइम के साथ कैसे वेरिएशन हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे इसका ग्राफ खींच सकते हैं, तो वो बच्चों कुछ ऐसे मिलेगा। देखो इसके लिए इधर हमको करंट माननी पड़ेगी एम्पियर में, मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर है। और यहाँ पे बच्चों हम लोग टाइम को थोड़ा बीच में कर लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। इधर होगा टाइम होगा सेकंड में, और ये करंट मिली एम्पियर में है, ठीक है। तो पहले करंट कितनी होगी बच्चों, 2.6 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर 2 सेकंड की बात हो रही है, ये 2 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया बच्चों, और ये 6 सेकंड हो गया। बना लेते हैं ऐसे मिली एम्पियर में हम करंट बना लेंगे। ये मान लो 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। इधर आओ बच्चों, -1 है, इधर ये -2 है, ये -3 है। अब ज़रा देखिए पहले करंट कितनी थी, -2.6 मिली एम्पियर, कहाँ तक, 2 सेकंड तक। तो 2.6 कुछ यहाँ आएगी बच्चों, ये माइनस का, ये पहले का ग्राफ हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा फिर बच्चों कितनी करंट हुई, फिर हुई 0 का मतलब ये ग्राफ यहाँ से ये बनेगा ऐसे 0। अच्छा फिर बच्चों क्या हुई, फिर करंट हो गई है 2.6 मिली एम्पियर, लेकिन प्लस की, तो प्लस की 2.6 मतलब इसके सामने यहाँ ये ऐसे बनेगी, ये 4 से 6 सेकंड की बात आ जाएगी। इसका मतलब करंट का ग्राफ पहले ऐसा माइनस में, फिर 0, फिर प्लस, कुछ इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये करंट का वेरिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, करंट मिली एम्पियर में है, टाइम सेकंड में है, और ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।